माँ का कान का झुमका एक बच्चे के लिए जान की आफत बन गया। गलती से उस बच्चे ने अपनी माँ का कान का झुमका ही निगल लिया। झुमका बच्चे के गले में जाकर अटक गया, जिसके बाद असहनीय दर्द से बच्चे ने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। परिजन रोते चिल्लाते बच्चे को शहर के मुंडेरा में स्थित नारायण स्वरूप अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर राजीव ने कई घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे के गले से सोने का झुमका निकाला, जिसके बाद बच्चे ने राहत की सांस ली। डेढ़ साल के बच्चे आदित्य का रो रो कर बुरा हाल है। वह पिछले एक दिन से लगातार रो रहा था। उसके परिजनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उत्तर प्रदेश फतेहपुर खागा के टेकरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र कुमार को अपने इस बच्चे की असहनीय पीड़ा देखी नहीं गई तो उसे वह प्रयागराज के मुंडेरा में स्थित नारायण स्वरूप अस्पताल लेकर पहुंचे। आदित्य कुमार सर, वो ये कान की बाली जो होती है उसको ऐसे ही रखे थे तो उठा के खा लिया था और जा कर के गले में लटक गए थे। तो वहाँ से हम लोग लेके गए पहले खुरवापुर चौराहा, वहाँ पे दिखाया तो वहाँ से जवाब हुआ, वो लोग भेजे भोला हॉस्पिटल। भोला हॉस्पिटल से फिर वहाँ से वो बोले यहाँ के लिए इलाहाबाद, फिर सीधे हम यहाँ लेके आए। डॉक्टर राजीव सिंह ने बच्चे की पूरी बॉडी का जब एक्सरे कराया तो वह दंग रह गए। बच्चे की श्वास नली में 2 सेंटीमीटर कान का झुमका फंसा हुआ था। नुकीले कोने होने की वजह से झुमके को खींच कर निकालना भी खतरे से खाली नहीं था। किसी तरह डॉक्टर राजीव बच्चे को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले गए और फिर लारिंगो दूरबीन विधि से बच्चे की श्वास नली में फंसे झुमके को निकाला। धीरे धीरे निकालने में अपनी माँ का गिरा हुआ एक झुमका कान में जो पहनते हैं बाला, वो इसने इसके हाथ में खेलते हुए आया और इसने अपने मुंह में लिया और गलती से वो निकल गई। निकलने की वजह से वो झाके इसकी सांस की नली में रुक गई, जिसकी वजह से इसको सांस लेने में बहुत तकलीफ होने लगी। इसने अपने वहाँ पे लोकल डॉक्टर्स को दिखाया, उन लोगों ने जवाब दिया, इलाहाबाद भेजा। हम लोग के पास ही रात को कल लगभग 11 बजे के आसपास आई और उस समय इसकी सांस रुक रही थी, बहुत गहरी गहरी सांस ले रही थी। इमरजेंसी में इसका एक्सरे किया गया तो एक्सरे में ये दिखा कि एक काफ़ी बड़ी साइज के लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का झुमका जो कि कान में पहनते हैं वो इसकी सांस की नली के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पे जाके फंसा हुआ है और उसके अगल बगल से बहुत मुश्किल से कुछ हवा इसके फेफड़े में जा रही थी। तो इमीडिएट इसकी एक्सरे एंड कंप्लीट ब्लड की जांच करके तुरंत दूरबीन द्वारा इसे निकालने की प्लानिंग हुई। जांच के उपरांत हम लोगों ने इसे ऑपरेशन थिएटर में लिया और बेहोशी देते देते काफ़ी इसकी हालत काफ़ी गंभीर हो गई, इसकी सांस रुकने लगी। तो काफ़ी मुश्किल से फिर लैरिंगोस्कोप के द्वारा हम लोगों ने इसे ग्रेजुअली धीरे धीरे विड्रॉ किया और जो ये गले में झुमका फंसा हुआ था उसे निकालने में सफलता पाई। फिर जाके बच्चे को सांस जो है वो प्रॉपर आने लगी। आदित्य अब पूरी तरह ठीक है। डॉक्टर राजीव के मुताबिक मेडिकल हिस्ट्री का यह अपने आप में अनोखा केस था, जिसमें ऑपरेशन करने में बच्चे की जान भी जा सकती थी लेकिन किसी तरह सूझबूझ से उसके गले से झुमका निकाला जा सका। आपको बता दें कि डॉक्टर राजीव सिंह का यह कारनामा कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई ऐसे ऑपरेशन कर कई बच्चों की जान बचाई है, जैसे एक बच्चे के तो गले में लोहे की सरिया उसके गर्दन में घुस गई थी, सफल ऑपरेशन कर उन्होंने निकाला था। वाकई में कहा गया है कि डॉक्टर भगवान के समान होता है। इस परिवार के लिए डॉक्टर राजीव सिंह किसी भगवान से कम नहीं।